इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनर ब्रांड आपको मिलते हैं स्पेंड करने के लिए, तो उसमें भी कुछ चेंजेस हुआ है तो उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये जो एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड मिलता है, इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको वन टाइम ज्वाइनिंग फीस लगती है, जो इस क्रेडिट कार्ड की 499 प्लस टैक्सेस आपको देना होगा। लेकिन ये फीस आप दे देते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट में 500 रुपीज का अमेजोन ई गिफ्ट वाउचर आपको वेलकम बेनिफिट में इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। वही इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करें, जो हर साल लगने वाला चार्जेस है वो भी सेम रहेगा, 499 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। लेकिन पिछले एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग आप कर लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाता है उसको वीवर कर दिया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर ही आपको इस क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें बैंक की तरफ से कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनर ब्रांड है उस पर आप स्पेंड करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट भी मिलता है। जैसे इस क्रेडिट कार्ड से आप अपोलो 24x7 पे एवरी 100 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको मिलेगा 10x रिवार्ड पॉइंट। इसके अलावा बुक माई शो से आप कोई भी मूवी टिकट परचेस करने पर एवरी 100 रुपीज आप स्पेंड करते हैं तो वहां पे भी आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा क्लियर ट्रिप पे आप कोई भी एवरी 100 रुपीज स्पेंड करते हैं तो वहां पे भी आपको 10x रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा इजी डाइनर पे आप एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर यहाँ पे भी आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा नेटमेट्स पे भी आप एवरी 100 रुपीज स्पेंड करते हैं तो वहां पे भी आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा बैंक ने कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनर ब्रांड है उसको और इंक्रीज किया है, यहाँ पे आपको 3 ब्रांड और यहाँ पे ऐड कर दिया है। यानी कि अब आप मिंत्रा पे भी एवरी 100 रुपीज स्पेंड करेंगे तो आपको मिलेगा 10x रिवार्ड पॉइंट। इसके अलावा आप डोमिनोज पे एवरी 100 रुपीज स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और यात्रा पे आप एवरी 100 रुपीज स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। यानी कि आपको 10x की कैटेगरी है वो काफी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, जिसमें पहले अमेजोन या लेंस कार्ड ये से भी थे लेकिन इन्होंने बैंक ने हटा दिया गया। अब ये जो कैटेगरी है इन पे आप एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिलेगा 10x रिवार्ड पॉइंट, लेकिन आपको एक कैप रहेगी, यानी कि इन कैटेगरी पे आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम 10,000 रिवार्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं आप, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 5x रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलेगा एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक कैप दे दी गई है कि आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम आप जो ये 5x रिवार्ड पॉइंट मिलता है ये एक महीने में 10,000 रिवार्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर रेंट पेमेंट का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं और एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिलेगा 1 रिवार्ड पॉइंट। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है इनको आप कैश में रिडीम करा सकते हैं या फिर कोई भी वाउचर वगैरह प्रोडक्ट या परचेस कर सकते हैं। आपको 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे तक ही इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी। इस कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल में 1 लाख रुपए की आप स्पेंडिंग कर लेते हैं तो आपको 2,000 रुपए का ई गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। वहीं इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल में आप 2 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर लेते हैं तो आपको एडिशनल 2,000 रुपए का ई गिफ्ट वाउचर आपको फिर से मिल जाएगा। यानी कि 1 साल के अंदर आप टोटल 4,000 रुपए तक का वाउचर यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन ये जो वाउचर आपको मिलेगा ये क्लियर ट्रिप का ही आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा और ये आपका माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलता है 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है, वो भी आपको वेवर मिलता है। लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 500 रुपीज का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में इस क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम 100 रुपीज तक का वेवर को आप ले सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड आपको कॉन्टेक्टलेस मिलता है, आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे एसबीआई बैंक की तरफ से जितने भी डिस्काउंट ऑफर वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटी है वो भी मिलती है। यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्लेक्स पे ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन 2500 या फिर उससे ज्यादा का करते हैं तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको टोटल 50 डेज का टाइमिंग आपको मिलेगा, जिसमें 30 डेज होंगे वो आपके एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा और 20 डेज में इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होगा। ये 20 डेज में आप इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है।
जो कम से कम इस क्रेडिट कार्ड से 500 रुपीज से लेकर 1300 रुपीज तक की लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है, और जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर ड्यू रहता है उस पर फाइनेंस चार्ज भी लगाया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड पे फाइनेंस चार्ज की यहाँ पे बात करें तो जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू रहता है उस पर 3.5% मंथली चार्जेस लगाया जाता है, जो 42% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाता है। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का रिपेमेंट है वो टाइम टू टाइम करें, नहीं तो ये हाई इंटरेस्ट के चार्ज लगा दिए जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स को आप जब भी रिडीम करेंगे तो आपको पर रिक्वेस्ट पे 99 रुपीज का चार्जेस है वो देना होगा, और साथ में 18% का जीएसटी भी देना होगा। वही इस क्रेडिट कार्ड से आप रेंट पेमेंट का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको 199 प्लस टैक्सेस आपको रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन पे देना होगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज है वो 18 से लेके 60 ईयर तक की एज होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अगर सैलरीड पर्सन लेता है तो उनकी मंथली इनकम है वो 20,000 या फिर उससे ज्यादा की होनी चाहिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉय लेता है तो उनकी मंथली इनकम है वो 30,000 या फिर उससे ज्यादा की है, तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को आप कार्ड टू कार्ड लेंगे तो भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर प्रोफाइल अच्छी है तो विदाउट इनकम प्रूफ भी ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड लेते हैं तो फिलहाल यहाँ पे ऑफर चल रहा है, अगर आप एड ऑन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपीज का जोमेटो वाउचर भी मिलेगा। तो आप जरूर से एड ऑन कार्ड अपने फैमिली के लिए जरूर लें। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के कोई भी हिडन चार्जेस के बारे में आपको जानकारी लेना है या लिमिट इंक्रीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है, या आपके पास अगर नया क्रेडिट कार्ड मिला है उसको ऐप के अंदर कैसे सेटअप किया जाता है, इन सारी जानकारी के लिए आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी जहां से आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो बस यही था SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करना, चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।